सौरतगढ़ विधानसभा के विकास खंड जोगिया अंतर्गत ग्राम सभा श्री अराजा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में किया गया। इसमें खंड विकास अधिकारी अरुण कुमार श्रीवास्तव, सांसद प्रतिनिधि एसपी अग्रवाल, सचिव मोहम्मद मुस्तफा, बाल विकास एवं पुष्टाहार, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारी एवं कर्मचारीगण मौजूद रहे तथा स्टार लगाकर सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा में उपस्थित अधिकारियों द्वारा प्रमुख योजनाओं के बारे में बताया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि यह भारत का अमृतकाल चल रहा है और वही विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन भी हो रहा है। आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि हमारी डबल इंजन की सरकार हर गांव में जाकर योजनाओं का लाभ पात्रों तक उनके घर पहुंचा रही है तथा गांव में चौपाल लगाकर सभी को योजनाओं का लाभ दिला रही है। जो पात्र किनारों से छूट गए उनका उसी गाँव में ही चयन करके तुरंत रजिस्ट्रेशन करा रही है। यह यात्रा नहीं मोदी की गारंटी है, जो प्रधानमंत्री कहते हैं उसको पूरा करते हैं। अब हमारा देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अब सरकार के लोगों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रही है। आज मोदी के नेतृत्व में देश में सबका साथ और सबका विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि आज इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में सभी अधिकारी आपके गांव में है ताकि गांव के लोगों को दफ्तरों तक चक्कर न लगाना पड़े। सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि सभी योजनाओं का लाभ जो पात्र है उनको मिले, इसी के लिए आपका सांसद और अधिकारीगण आपके गांव में आ रहे हैं तथा सांसद ने लोगों को आयुष्मान कार्ड भी वितरित किया और कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड हर हाल में सभी का बनना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति धन के अभाव में इलाज से वंचित न रहे। सांसद ने कहा कि आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न मिल रहा है ताकि कोई परिवार भूखा ना सोए, सबको आवास मिल रहा है ताकि गरीब के सर पर छत हो तथा सांसद ने उपस्थित लोगों को विकसित भारत संकल्प का शपथ दिलाया, कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान आशीष सिंह, प्रधान प्रतिनिधि पिंटू सिंह, सहायक विकास अधिकारी ओम प्रकाश चौधरी, प्रदीप कुमार, शेविका गुप्ता, दयाराम चौधरी सहित सभी विभागों के अधिकारीगण और कर्मचारीगण तथा क्षेत्रीय जनता की उपस्थिति रही। आज का कार्यक्रम ग्राम पंचायत सिरसिया राजा में हो रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है। क्या उद्देश्य? उद्देश्य सरकार द्वारा चलाए गए जितने भी योजनाएं हैं जनता तक अंतिम लाइन में खड़े जो हैं जनता के जो पात्र लोग हैं वंचित हैं उन तक लाभ पहुंचाया जाना है।